हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रिक अनबॉक्सर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके फ़ोन में किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट आता है कंपनी की तरफ से, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तो आपके फ़ोन के नोटिफिकेशन में इस तरह से वो रह जाता है और इसको कितना भी आप जो है क्लोज़ करने की कोशिश करो तो नहीं जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये जो है नहीं जा रहा। तो इसी का मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप जो है इसको हटा सकते हो, इसको रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है वो आसानी से नहीं जाता है, इसके लिए आपको एक ट्रिक यूज़ करनी होगी। तो बहुत से बार हमें जो है कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करना होता, फिर भी यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है वो आके चिपक जाता है और यहाँ पर ये जो कितना भी कोशिश करे वो हटता नहीं है। तो हमें इसको कैसे हटाना है मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि बहुत से बार हमारे पास डेटा कम होता है, इसकी वजह से हम अपडेट नहीं कर पाते या फिर हमें अपडेट ही नहीं करना होता है। तो हमें जो भी रीज़न होता है उसकी वजह से हम अपडेट नहीं करना चाहते। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो किस तरह से हमें हटाना है इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप जो है इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो घंटे है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट का नोटिफिकेशन है, इसको हमें हटाने के लिए आपको क्या करना है आप ध्यान से देख लीजिए। आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ओपन करना है यहाँ पर इस तरह से, और इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन का नाम मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो FOTA सर्विस। तो आपके फ़ोन में जो भी आता है आप यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर कौन सा नाम है, तो यहाँ पर है FOTA सर्विस। तो आपको ये ध्यान रखना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर आपके फ़ोन की जो सेटिंग है उसको ओपन करना है। फ़ोन की सेटिंग ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर आपके फ़ोन में जो भी ऑप्शन आप ढूंढ लेना, क्योंकि हर फ़ोन में जो है अलग अलग ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर आप ऐप्स पर जाना होगा, आपको ऐप्स में जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सी ऑल एप्लीकेशन यानी कि आपको ऑल एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर शो सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर आपको जो आपने नोटिफिकेशन बार में जो एप्लीकेशन आपने देखा था, यहाँ पर आप देख सकते हो FOTA सर्विस, तो इस एप्लीकेशन को आपको यहाँ पर फाइंड करना है यानी कि सर्च करना है। तो यहाँ पर मैं फटाक से कर देता हूँ। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर हमें ये जो एप्लीकेशन है वो मिल गया है। तो यहां पर आप देख सकते हो FOTA सर्विस, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर मैं सबसे पहले दिखा देता हूं कि अभी भी यहां पर जो है नोटिफिकेशन है, तो इसको हटाने के लिए आपको यहां पर सिंपल से फोर स्टॉप कर देना है। तो इसके बाद आप ये देख सकते हो ये जो नोटिफिकेशन था वो चला गया है। इसके बाद आप अपना फ़ोन जो है रेगुलर यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से जो है इस नोटिफिकेशन को आप हटा सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताएगा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।